तो आज सबका ख्वाहिश पूरा होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को सबसे डिमांडिंग वीडियो मिलने वाला है 10 का दम 100 से कम। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो यहाँ पे जितना भी आप प्रोडक्ट देख पा रहे हो सारे के सारे अंडर 100 रुपीस में है। इवन गाइस यहाँ पे ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट है 10 रुपीस, 20 रुपीस, 30 रुपीस में भी मिल जाएगा। तो यार आज आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो यार बस आप लोग इस वीडियो को मस्ट वॉच टिल द एंड। और गाइस थोड़ा सा छपरी टाइप की लगेगा क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट देख पा रहे हो अंडर 100 रुपीस में, तो खुद ही सोच सकते हो अंडर में क्या ही आ सकता है वो भी ऑनलाइन से। सो यार खुद ही देख लीजिए अंडर 100 रुपीस में कैसा ही प्रोडक्ट आएगा। ये रहा इस वीडियो का नेक्स्ट प्रोडक्ट और इस गैजेट को मैंने परचेस किया ओनली 99 रुपीस में, बट ये प्रोडक्ट मैंने फ्रीडम सेल के टाइम परचेस किया इसलिए इतना सस्ता पड़ गया, लेकिन इस गैजेट का एक्चुअल प्राइस है 150 रुपीस। तो फटाफट देखते हैं इसके अंदर है क्या चीज। और 99 रुपीस में पैक ऑफ 6 आ चुका है तो मेरा फायदा ही फायदा हो चुका है। और दोस्तों इस गैजेट से अपने दोस्तों के साथ प्रैंक भी कर सकते हो। और ये रहा हमारा गैजेट, देख सकते हो पैक ऑफ 6 आ चुका है ओनली 99 रुपीस में। चलो इसको साइड में रखते हैं। बेसिकली दोस्तों इस गैजेट के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बस अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने के लिए काम आ जाएगा। तो फटाफट निकाल लेते हैं, कौन सा निकालो, इसको निकाल लेते हैं, जो कोई भी निकाल लो सारे के सारे सेम है। बेसिकली दोस्तों ये स्केच पेन की तरह है बट यहाँ पे दाग नहीं दिखाई देगा। इस पेन से जब लिखोगे दाग इनविजिबल रहेगा, विजिबल करने के लिए यहाँ पे एक लाइट दिया गया है। इस लाइट से जैसे दिखोगे सारे के सारे विजिबल दिखेगा। तो अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। तो देख सकते हो इस पेन का दाग पूरा की पूरा इनविजिबल है, तो आपको विजिबल करने के लिए इस लाइट से आपको देखना होगा। सो गाइस देख सकते हो मैंने जो भी लिखा यहाँ पे विजिबल हो चुका है, लाइट ऑफ करने के बाद देख सकते हो इनविजिबल हो चुका है। गाइस देख सकते हो दूसरा लाइट से विजिबल नहीं हुआ है, अगर अपन इस लाइट से देखे देख सकते हो ये विजिबल हो चुका है। सो गाइस इस पेन का पावर देख सकते हो, जैसे इस पेन की लाइट से ही मैंने देखा विजिबल हो चुका था, बट यहाँ पे दूसरा लाइट से देखा बट विजिबल नहीं हुआ था। सो इस इनविजिबल पेन का पावर तो देख ही चुके हैं। तो ये गैजेट भी मुझे सही लगा। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा प्रैंक वगैरह करना चाहते हो या फिर अपने किड्स को कुछ सिखाना चाहते हो, तो आप इस गैजेट को बाय कर सकते हो, बहुत ही सस्ते में आ जाएगा। और ये रहा हमारा नेक्स्ट गैजेट, और ये गैजेट भी काफी काम का है, और ये गैजेट ओनली ऑन 150 रुपीस में आ चुका है। तो चलिए इसके अंदर है क्या चीज निकाल लेते हैं। और ये रहा हमारा गैजेट, पैकेजिंग तो पूरा टूट चुका है। चलो कोई बात नहीं, गैजेट सही सलामत है, चलो फटाफट से निकाल लेते हैं। और दोस्तों इस गैजेट का एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, 150 रुपीस में पैक ऑफ 2 आ चुका है। चलिए इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। कुछ लोग सोच रहेंगे ये प्लास्टिक है क्या करेंगे, लेकिन ये बहुत काम का चीज है, चलिए हम यूज करके दिखा देते हैं। सो बेसिकली दिस इज शो ऑर्गेनाइजर रैक, हमने एक ऑर्गेनाइज कर भी चुके हैं। तो ये गैजेट आपको दो पार्ट्स में मिल जाता है, यहाँ पे क्लिप्स है और इस क्लिप्स को कुछ इस तरह से लगा देना है और अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, कुछ इस तरह से प्रेस कर देना है और इसका क्लिप अच्छी तरह से लग जाएगा। साथ में इस गैजेट के अंदर एडजस्टमेंट क्लिप भी दिया गया है, जिससे कि शू का हाइट ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तो ये बढ़िया चीज दिया गया है। तो क्लिप्स यहाँ पे लगाए दिया गया है, अब जिस एंगल में होल्ड करना चाहते हो उस हिसाब से आप होल्ड करके रख सकते हो कुछ इस तरह से। बेसिकली ये गैजेट एक पैर के लिए है, तो आप इसमें एक पैर आराम से एडजस्ट कर पाओगे। सो गाइस दोनों ही पैर को हमने एडजस्ट कर चुका हूँ, तो एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। गाइस काफी कम जगह में अगर शो एडजस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इन गैजेट को ट्राई कर सकते हो, काफी कम जगह में एडजस्ट हो जाएगा। सो आप जिस टाइप की शो रखना चाहते हो डेफिनेटली गाइस काफी कम जगह में एडजस्ट कर पाओगे। तो ये गैजेट मुझे काफी पसंद आया, अगर आप लोग बाय करना चाहते हो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। और ये रहा इस वीडियो का नेक्स्ट गैजेट, और ये गैजेट पर्सनल यूज के लिए गया, बट उससे पहले हम चेक करते हैं ये कितना काम का है। कटर कहाँ है, ये रहा मिल गया, ये लास्ट वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में काम आ गया, काफी यूजफुल गैजेट है। नहीं चलो फटाफट निकाल लेते हैं, भाई काफी धार है यार, साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा गैजेट, यूज कैसे करेंगे पे, वाव अमेजिंग, बट यूज करने के बाद ही पता चलेगा ये कितना अमेजिंग है। तो गाइस ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये तीन पार्ट है हमारा गैजेट मिल जाता है। तो हम इस गैजेट को कैसे यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली गाइस ये जूस मेकर है और हम काफी जगह में इस गैजेट को यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कप मिल जाता है, इसको जार भी बोल सकते हो, और ये कप भी है साथ में जूस मेकर भी है, यहाँ पे बहुत सारा थ्रेड्स वगैरह है और यहाँ पे भी काफी सारा थ्रेड्स है, साथ में नेट्स भी है। और गाइस जूस मेकिंग के लिए हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, दो तरीके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक तो ऑरेंज वगैरह जूस करने के लिए और दूसरा तरीके से एनी टाइप का फ्रूट जूस कर सकते हो। और जैसे कि मैं पहले बोला था इस गैजेट को एज ए कप भी यूज कर सकते हो, इस ढक्कन को ओपन करने के बाद देखो ये एक कप की तरह भी यूज कर सकते हो, इवन गाइस जूस भी यहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ पे जितना भी पार्ट्स देख पा रहे हो सारे यूजेबल पार्ट्स है, तो फटाफट हम अभी जूस करके देखते हैं ये जूस मेकिंग करता है या नहीं। सो हमने थोड़ा सा पाइनएप्पल काट के लाया, आइए देखते हैं जूस बनता है कि नहीं। सबसे पहले हम इस पार्ट को लेंगे और इस पार्ट को इस तरह से
रखना होगा और यहाँ पे फ्रूट्स रखेंगे और इस पार्ट से प्रेस करना होगा। देखो ये मशीन नहीं है, थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा। जूस तो बन रहा है, अभी तो जूस शॉप में जाना नहीं पड़ेगा। चल भाई एक जूस शॉप खोल लेते हैं। भाई सोचा था यूट्यूबर बनूंगा बट सब्सक्राइबर तो आ नहीं रहा, अभी जूस शॉप ही खोलना पड़ेगा। भाई बहुत सही गैजेट है यार, कितना निकल गया? 150 ml। ये खा सकते है क्या? हाँ ये भी तो खा सकते है। तो पूरा 150 ml निकाल चुका है। वीडियो बाद में बनेगा, पहले खा पी लेते, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा आप भी पी लो। सो गाइस ये गैजेट तो मुझे यूजफुल लगा, जूस तो बना लेता है। कभी कभार तो महंगा महंगा गैजेट भी जूस नहीं बना पाता, बट ये सस्ता गैजेट काफी अच्छी तरीके से जूस बना दिया है। और गाइस अगर आप लोग ऑरेंज वगैरह के जूस बनाना चाहते हो बस इस पार्ट को यूज करना और इस पार्ट को यहाँ पे रख देना है कुछ इस तरह से। तो गाइस ये गैजेट मुझे अल्टीमेट लेवल का लगा, अगर आप लोग बाय करना चाहते हो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बहुत ही सस्ते में ये गैजेट आ जाएगा। और दोस्तों ये रहा इस वीडियो का नेक्स्ट गैजेट, और ये गैजेट ओनली 99 rupees में बाय किया, बट यहाँ पे पैक ऑफ 3 आ चुका है 99 rupees। ये गैजेट भी काफी काम का है, बहुत छोटा है लेकिन काम का है। तो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, पैक ऑफ 3 आ चुका है। तो इस पैकेट में हमें कुछ इस तरह से 3 गैजेट मिल जाते हैं और ये गैजेट भी काफी काम का है। सो इस गैजेट को भी आप 2 यूजेस ले सकते हो। एक तो इस गैजेट के अंदर एक नाइफ दिया गया है जो की काफी काम आने वाला है, दूसरा है इस गैजेट को आप एज ए की होल्डर भी यूज कर सकते हो। सो हमें इस तरह से 3 गैजेट मिल जाता है, 3 कलर में और काफी प्यारा सा भी लगता है। तो तीनों सेम ही है, कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो। इस गैजेट में एक बटन मिल जाता है, जैसे आप प्रेस करोगे एक कटर निकल के आ जाता है जो कि काफी शार्प है, आप काफी जगह में यूज कर सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे इस गैजेट को एज ए की होल्डर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक होल है, इस होल में आपको की होल्ड करना है। तो ये गैजेट मुझे काफी प्यारा सा लगा, सो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर भी इंक्लूड कर दिया। तो अगर आप लोगों को जरूरत है डेफिनेटली बाय कर सकते हो, ओनली 99 rupees में पैक ऑफ 3 आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए अभी नेक्स्ट गैजेट की ओर मूव करते हैं। ये रहा इस वीडियो का नेक्स्ट गैजेट, और यकीन मानो ये गैजेट भी आपको काफी यूज आने वाला है। चलो फटाफट निकाल लेते हैं इसके अंदर है क्या चीज। बेसिकली गाइस ये एक सेंसर लाइट है और दोस्तों इसके अंदर काफी सारा फीचर्स है, आपको यूज करने में काफी मजा आने वाला है। और दोस्तों ये सेंसर लाइट फुल्ली ऑटोमेटिक है। चलो यार इसके अंदर क्या क्या फीचर है फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस लाइट को हैंग करने के लिए एक हैंगर में मिल जाता है, अगर आप हैंग नहीं करना चाहते इस लाइट में एक मैग्नेट भी मिल जाता है, मैग्नेट से भी चिपका सकते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, एक डबल साइडेड टैप भी मिल जाता है, यहाँ पे स्टिक किया हुआ है, जस्ट डबल साइडेड टैप को रिमूव करो और चिपका दो। और दोस्तों ये लाइट रिचार्जेबल है, रिचार्ज होने के बाद फिर से रिचार्ज भी कर सकते हो। साथ में हमें ऑन ऑफ का 3 मोड मिल जाता है जिससे हम ऑफ कर सकते हैं, ऑटो में रख सकते हैं और ऑन पे भी रख सकते हैं, और चार्ज करने के लिए यहाँ पे पोर्ट भी मिल जाता है। दोस्तों शुरू में बोला था ये लाइट फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक कैसे हुआ? इस लाइट को जहाँ पे भी रखोगे, डे हो या नाइट, इस लाइट के 3 meters के अंडर में जो भी ह्यूमन मोशन करेगा ऑटोमेटिक ये लाइट ऑन हो जाएगा। अगर कोई ह्यूमन का मोशन नहीं रहेगा तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सो ये ब्यूटीफुल सा लाइट आप बालकनी में यूज कर सकते हो या फिर बाथरूम वगैरह में भी यूज कर सकते हो। हम कभी कभार बाथरूम का लाइट ऑन करके आ जाता है, अगर हम इस लाइट को यूज करेंगे जब हम बाथरूम में जाएंगे ऑटोमेटिक ये लाइट ऑन हो जाएगा, और जैसे हम आ जाएंगे स्विच ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। साथ में इस लाइट को आप वार्डरोब में भी यूज कर सकते हो, वार्डरोब के लिए बहुत ही बेस्ट गैजेट है। तो ये लाइट का फीचर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, अगर आप लोग यूज करना चाहते हो डेफिनेटली करो गाइस। ये गैजेट का प्राइस ऑलमोस्ट 120 rupees से लेके 50 rupees के बीच में आ